अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ जेली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही डिलीशियस भी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जेली का एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला पैकेट ले लिया है, जेली क्रिस्टल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए होते हैं कि आपको किस तरह से बनाना है, क्या करना है, कितने ग्राम में है, क्या क्या अंदर रहता है, ये मैं सब आपको बता दूंगी। यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया है, उसमें हम इस पाउडर को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये दिखता है कुछ आप जब ओपन करोगे तो अभी मैंने इसमें ये पाउडर ऐड कर दिया है सारा, और ये एक पैकेट में जो पाउडर था उसे भी इसमें ऐड कर लिया है। ये मैं थोड़ा सा इस पाउडर को स्मूथ बना रही हूँ ताकि जब हम इसमें पानी ऐड करें तो कुछ भी जो ग्रैनुल्स हैं वो आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो आप भी जब भी इसे बनाएं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए जिस तरह से मैंने कर लिया है। यहाँ पर इसमें अभी कोई भी ग्रैनुल्स आपको नहीं दिख रहे, और अभी इसमें आपको 500 ml बॉइल्ड वाटर ऐड करना है। ये देखिए, ये मैंने बॉईल किया था, 500 ml था टोटल पानी, तो मैंने उसे ऐड कर लिया है और अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में लाइक शेयर एंड बेल आइकन को आप प्रेस कर देना ताकि मेरी जो भी आने वाली रेसिपी है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो आपको अभी इसे सेट करने रख देना है। आपको कम से कम इसे 1 घंटे के लिए सेट करना है, और साथ ही में आप इसे चाहो तो आप फ्रिज में भी रख सकते। मेरे पास ये स्मॉल बाउल्स थे तो मैंने उसमें भी थोड़ा थोड़ा जेली का सिरप ऐड कर दिया, तो ये बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेबल लगता है अगर आपको किसी रेसिपी में अगर इसे यूज़ करना है तो ये देखिए अभी 1 घंटा हो गया है तो मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, और मैं अभी इसे कट करके भी आपको बताती हूँ। ये हमारी डिलीशियस वाली जेली रेडी हो गई है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, जो आपके घर पे छोटे बच्चे हो गए उनको भी आप बना के इसे दे सकते हो। ये मैं आपको पूरी तरह से भी कट करके बता देती हूँ कि एक एक पीसेस इसको अच्छे से निकल आते हैं, और आप इसको किसी भी रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली मैंने अपनी एक कस्टर्ड की रेसिपी थी उसमें इसे यूज़ किया था, तो बहुत ही घर में सबको पसंद आया था मेरा वो कस्टर्ड वाला रेसिपी भी, जिसमें ये जेली का फ्लेवर बहुत पसंद आया था सबको। तो बस यही आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।